हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। मैं हूँ वंदना और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दानेदार राजस्थानी बेसन की चिक्की की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस, सुपर मॉइस्ट और बहुत ही आराम से आप घर पे बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स, क्योंकि ये हमेशा दानेदार ही अच्छी लगती है और इसे वैसे ही खाया जाता है। इसे बनाकर कम से कम आप 1 मंथ तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं कितना आराम से इसे काट पा रही हूँ, ये बहुत ही मॉइस्ट बनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेसन की चिक्की बनाना। बहुत दानेदार और बहुत आसान रेसिपी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें और मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो ये देखिए बिल्कुल मॉइस्ट बेसन की चिक्की, शुरू करते हैं बनाना। बेसन की चिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो चिकपी फ्लावर, यानी कि बेसन, जो रेगुलर बेसन होता है वही हमने लिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम क्लेरिफाइड बटर और घी, और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 50 मिलीलीटर वॉर्म मिल्क, यानी कि गुनगुना दूध। और इसे हमें एक साथ नहीं मिलाना है, धीरे धीरे करके दोनों चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से अपने हाथों से इसे मिलाते जाएंगे। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं मोयन लगाना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इससे जो आपकी चिक्की बनती है वो बहुत ही मॉइस्ट बनती है, एकदम सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर हमने सारा जो घी है, सारा जो मिल्क हमने लिया था वो इसके अंदर मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अगर हम जो हमारा फ्लावर है उसे अपने हाथों में होल्ड करते हैं मुट्ठी में, तो इस तरह से शेप लेने लगता है, यानी कि हमने अच्छे से इसमें मोइन लगा लिया है। यहाँ मेरे पास एक राइस स्ट्रेनर है, जो राइस छानने की, चावल छानने की जो छलनी होती है उसके अंदर हमें ये छानना है, क्योंकि इसके हमें दानेदार बर्फ़ी बनानी है तो पहले हमें इसमें दाना बनाना होगा। तो हम इसमें से छान लेंगे, जो ऊपर ये काफ़ी सारा बड़ा सा जो पार्टिकल्स रह जाते हैं इसे आप दबा करके इस तरह से निकाल दें, ताकि सारे जो नीचे दाने निकले वो सेम साइज़ के हो। इससे हमारी बर्फ़ी बनेगी बिल्कुल दानेदार। तो ये है आपके लिए टिप नंबर 1 कि आप इसमें मोइन लगाएं, और मोइन लगाने के बाद इस तरह से इसे छान लें, इससे काफ़ी अच्छे इसमें दाने निकल आते हैं। सारे बेसन को मैंने इसी तरह से छान लिया है। इसमें किस तरह के पार्टिकल्स यानी कि दाने निकल के आए मैं आपको दिखा देती हूँ, जो गुठलियाँ हैं छोटी छोटी सी। अगर आप इसमें चम्मच में देख पा रहे हैं तो बेसन के अंदर बहुत सारे दाने हैं, ये सारे काफ़ी अच्छे से दाने हमारी बर्फ़ी को बनाते हैं, एकदम दानेदार, जो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो बेसन तो हमारा रेडी हो चुका है, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है घी 800 मिलीलीटर, एक बड़ा सा मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है घी। घी जैसे ही गर्म हुआ इसके अंदर हमें डाल देना है जो बेसन हमने रेडी किया था, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करना है कंटिन्यू चलाते हुए, जब तक कि घी इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता। अभी आप बिगनिंग में जब देखेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा होगा, और धीरे धीरे से जब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसमें से घी सेपरेट होने लगेगा, बेसन के भुनने की जो खुशबू आती है वो आने लगेगी, और साथ ही में जो बेसन है उसका कलर हो जाएगा लाइट ब्राउन। और अभी आप जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे, भूनते जाएंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि किस कंसिस्टेंसी में, किस स्टेज पर जाकर के हमें इसे कुक करना रोक देना है। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा हुआ है, और धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा हमारा बेसन है, जो धीरे धीरे इस तरह से, मैं आपको हर स्टेज पर दिखा रही हूँ, हर 2 मिनट के बाद भूनते हुए मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। पहले ये फूलने लगा है, इसका कलर वाइट कलर में आपको दिख रहा होगा अभी। ये है 7 मिनट के बाद जब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें से ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आने लगा है, घी अलग होने लगा है, फूलने लगा है बेसन। और ये हो गए हैं मुझे टोटल 12 मिनट जब मैं इसे कुक कर रही हूँ, इसमें से घी काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो चुका है।
और बेसन के भुनने की काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। कैमरा भी बेसन का कलर कैच नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज ये ब्राउन कलर पे आ चुका है और काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। मैं गैस को कर रही हूँ बंद और इसे कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो बीच बीच में हम गैस को बंद करने के बाद भी चलाते रहेंगे एक दो मिनट के लिए। बेसन काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, इसे मैंने रख दिया है एक तरफ और अब हम बनाएंगे यहाँ पर शुगर सिरप। यहाँ हम बना रहे हैं चिक्की के लिए चाशनी। तो 1 किलो शुगर को रखा है मैंने सॉस पैन में और 200 मिलीलीटर ऐड कर दिया है पानी। 1.5 तार की हम चाशनी बनाएंगे, किस तरह से बनेगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसमें लेके आते हैं उबाल, तब तक हम यहाँ पर एक 2 थाली को मैंने 2 प्लेट को ग्रीस कर लिया जिसमें हमें जमानी है चिक्की। शुगर सिरप को बॉईल होते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमें इसका तार यानी कि शुगर सिरप का स्ट्रिंग चेक करना है। तार चेक करने के लिए थोड़ा सा स्पून के अंदर आप चाशनी ले लें, अपनी फिंगर जब थोड़ा सा ये वॉर्म हो जाए अपनी फिंगर के बीच में इस तरह से लें और इस तरह से पकड़ के जब आप इसे खींचेंगे तो आपको फील होगा कि इसमें 1.5 तार आ गया है। जब तक कि 1.5 तार ना आए हमें चाशनी को पकाते रहना है। काफ़ी अच्छे से 1.5 तार आ गया है तो इसे मैं जो बेसन हमने रखा हुआ था भूनकर उसके अंदर मिला देना है। तो बेसन यहाँ पर वॉर्म स्टेज पर आ चुका था यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, पर चाशनी हमारी काफ़ी अच्छे से बॉइलिंग हॉट है। गैस को मैंने फिर से ऑन कर दिया है लो फ्लेम पर और चाशनी को अच्छे से बेसन के अंदर हमें मिक्स कर देना है। जब हम इसे चलाते जाएंगे तभी आपको ये फील होगा कि गाढ़ा होने लगा है। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ऑरेंज फूड कलर जो 2 चुटकी के लगभग मैंने डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल ना डालें। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 स्पून कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर जो काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर लेके आएगा। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा क्योंकि फटाफट से गाढ़ा होने लगता है। बस मैं इसके अंदर एक उबाल लेके आ रही हूँ, एक बॉईल आ चुका है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए हमें जो ये सॉल्यूशन है ये फटाफट से प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है जिसके अंदर हमने पहले से ही घी लगा करके ग्रीस करके रखा हुआ था, अदरवाइज ये काफ़ी जल्दी ठीक होने लग जाता है। उसके बाद आपको बर्फ़ी जमाना यानी कि चिक्की जमाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं गाढ़ा होने लग गया है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी प्लेट्स में। तो जो ग्रीस करके रखी हुई थी प्लेट, सॉरी मैं यहाँ पर कैमरा ऑन करना भूल गई थी, एक प्लेट में मैं निकाल चुकी हूँ और सेकेंड वाली प्लेट आपके सामने निकाल रही हूँ। तो फटाफट से हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। बेसन की जो ये चिक्की है ना ये फटाफट से बन करके रेडी हो जाती है। हम इसे सिर्फ 10 मिनट तक रखेंगे, ये पूरी तरह से ठंडा भी नहीं होगा। उससे पहले ही हम इसके पीसेस कट कर लेंगे, अदरवाइज़ इसके पीस कट करना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको प्लेट्स में ट्रांसफ़र किया इसे हम इस तरह से टेप कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल ना रहे। और अगर आप चाहें तो इसे गार्निश कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ में। तो मैं एक प्लेट को गार्निश कर रही हूँ और एक प्लेट को मैं एज इट इज़ रखूँगी क्योंकि चिक्की जब भी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो वो विदाउट ड्राई फ्रूट्स ही आती है और वैसे ही वो बहुत टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चिक्की के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए एक तरफ रखूँगी, उसके बाद हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारी चिक्की सेट हो चुकी है। 10 मिनट हो चुके हैं उसके बाद हम इसे पीसेस में कट कर लें। तो आपको जिस तरह का शेप पसंद है वैसा आप इसे कट करें। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं नाइफ कितना इजीली इसके अंदर जा रहा है और एक एक पीस इसका बाहर निकल आएगा। इसे आप बना करके कम से कम 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक तरह से आपके लिए एनर्जी बार का काम करेगा जो बहुत ही मॉइस्ट है, बहुत ही टेस्टी भी है और एकदम दानेदार सी बर्फ़ी बनकर के रेडी हो गई है। अगर आपको स्वीट्स और डेजर्ट खाना काफ़ी पसंद है तो मेरे चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की बहुत ही इजी, बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी स्वीट्स और डेजर्ट की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, वहाँ आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक पीस निकाल करके तोड़ के दिखा रही हूँ
और फ्रेंड्स इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, बहुत तरह के पेस्ट जो बहुत ही इजी बना देंगे आपकी कुकिंग को। आपके किचन के हैक्स भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे क्लीनिंग हैक्स हैं, कुकिंग रेसिपीज़ हैं, टेस्टी हेल्दी और क्विक रेसिपीज़ हैं, बहुत सारे टिप्स हैं ट्रिक्स हैं और उसके साथ में बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ आप घर पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने मोर देन 200 रेसिपीज़ आपके लिए शेयर की हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उन सभी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई वीडियो मेरा आपसे मिस ना हो। पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स कई बार हम घर में खाना बनाते हैं और खाना बच जाता है, बाद में हम उसे फेंक देते हैं डस्टबिन में। प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा अपने आसपास उन लोगों को देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है और कोशिश करें वो खाना उन तक ज़रूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।